हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है सीटी से रिलेटेड, आपकी वैकेंसी से रिलेटेड। वीएलडीए वीएच जितने भी वैकेंसी आनी है सी ग्रुप के अंदर, उनके बारे में बहुत बड़ी अपडेट दी है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। और जो आज एचएससी ने नया नोटिस दिया है, मतलब जो नई अपडेट दी है, उसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने खोल दी हैं। सब कुछ उन्होंने बताया कि कौन सी पोस्ट आएंगी। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि वीएलडी की पोस्ट नहीं है ये, सिर्फ ये खाली वैकेंसियाँ बताई हुई है और ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो उसका भी आपको जवाब मिल जाएगा, जिन बच्चों को डाउट था इससे रिलेटेड। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियो को आगे देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। न्यूज़ देख लेते हैं हम क्या है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपका जो टेस्ट है वो एनटीए लेगी। कल रख पदों के लिए 2 से 5 लाख तक लेकर असली के स्थान पर सीटर बैठे थे, ठीक है। ये तो आपको पता है कि कल रख की जो भर्ती में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन सीटी से रिलेटेड क्या अपडेट है, ये है एनटीए लेगी सीटी। अगस्त में होगी परीक्षा, यानी कि अगस्त में आपकी परीक्षा होगी, ये बात एनटीए ने लिखित में दे दी है। जो भोपाल सिंह खत्री है, जो एचएससी के चेयरमैन है, उन्होंने बताया है कि जो एनटीए एजेंसी है उनसे उनकी बात मतलब पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब जो है वो एनटीए ने कंफर्म कर दिया कि अगस्त में हम परीक्षा ले लेंगे। एचएससी की सारी तैयारी, सीटी की सारी तैयारियां वो पूरी हो चुकी है और ये बात उन्होंने लिखित में दी है। तारीख अभी तय नहीं हुई है, ठीक है, तारीख जल्द ही तय की जाएगी, उसके बाद में आपका नोटिस है वो आ जाएगा। अभी भी जिन बच्चों ने सीटी का एग्ज़ाम नहीं भरा है तो अभी दोबारा से ओपन होंगे सीटी के फार्म। सीटी का फार्म आप ज़रूर अप्लाई कर देना, ठीक है। चाहे अदर स्टेट के भी, अदर स्टेट के बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि वीएलडी में एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि वीएलडी में एलिजिबल होना ना होना ये बात की बातें हैं, पहले आपको सीटी देना ज़रूरी है, ठीक है। 100% सीटी देना ज़रूरी है, तो सबसे पहले आपको सीटी देना मतलब ठीक रहेगा। उसके बाद आपको, आपकी अगर वैकेंसी में अदर स्टेट के अलाउड होते हैं तो आप बैठ जाना टेस्ट में, अदरवाइज़ आप हरियाणा में और भी बहुत सारी पोस्टें हैं वो निकलने वाली है, तो आप उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो पोस्ट क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो सारी पोस्ट इन्होंने बता रखी है, 22,900 पदों के लिए ग्रुप सी के अंदर 22,900 पदों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। और इसके अंदर सभी की इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, जूनियर क्लर्क, बास्केटबॉल कोच, सभी के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन मेनली वीएलडी के बारे में बात करेंगे तो वीएलडी का लास्ट में देखो, लास्ट में दिखेगा आपको फोर्थ लाइन में से दूसरा ये अक्षर है, वेटनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट, यानी कि वीएलडीए, यही है वीएलडीए, यानी कि वीएलडी की पोस्ट भी इसके अंदर शामिल है। तो जिन बच्चों को डाउट था कि वीएलडीए की ये सिर्फ ये खाली वैकेंसियां हैं, ऐसी वैकेंसी आएंगी नहीं, तो ये वैकेंसियां आएंगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये एक हफ्ते पुरानी बात हो गई, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। जो कल परसों वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 632 पोस्ट है, लेकिन 632 में से कुछ थोड़ा बहुत इश्यू है, वो 630 प्लस होंगी, या तो 32 होंगी या 30 होंगी, या फिर और भी एक दो ज़्यादा बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि पूरी एग्जैक्ट 632 नहीं है, वो थोड़ी बहुत एक दो कम ज़्यादा है, उसका ऊपर दोबारा से इश्यू लग गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये वैकेंसी आनी है तो अपनी पूरा जोर लगा के अपनी सीटी के ऊपर तैयारी रखना, मेनली सीटी आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद आप वीएलडी के जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर बैठने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके की नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।